सब लोग अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। तो आज की हमारी जो मीटिंग है, आप सबने पोस्टर देखा रहेगा, ठीक है, ये हमारी टीम इन्फ्लुएंसर्स की जो वीकली सेशंस होते हैं वो हो रहा है, ठीक है। आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, कैसे डेवलप करनी है, कैसे रजिस्टर करनी है, कैसे आपको सारी चीजें, इंस्टॉलेशन, सारा चीजें आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा हमने नाम दिया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब तक आपने अपने नोट और पेन नहीं लिए तो मेक श्योर वो लेके बैठो, क्योंकि ये स्लाइड आपको नहीं मिलने वाली, आपको अपने पॉइंट्स खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं बनाओगे भूल जाओगे तो फिर बोलना मत, ठीक है, वो आपकी मिस्टेक है। ध्यान से सारी चीजों को अटेंड करना, मेक श्योर एक एक चीजों को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हाउ टू सिलेक्ट योर डोमेन। देखो यहाँ पे कुछ लोग नए हैं तो मैंने उनके लिए ये टॉपिक रखा, ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना होता है कोई भी डोमेन। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कोई एक ऐसा नाम जो सबके मुंह पे आए, ठीक है, ऐसा नाम जो स्पेल करने में इजी हो, लोगों को बताने के लिए इजी हो, टाइप करने के लिए इजी हो, मतलब जितना इजी नाम होगा उतना बेटर होगा, ठीक है, सिंपल नाम होना चाहिए। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है, मैक्स टू मैक्स एक से लेके तीन वर्ड तक का आपका डोमेन नेम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर आपको अपने नाम फाइंड आउट करना है तो आप हेल्प ले सकते हो, थेसोरस करके वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे सिनोनिम्स मिलते हैं एक वेबसाइट के, ठीक है। और मैं जो पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, ये सारी चीजें तो आपने बेसिक मीटिंग में सुन, जो मैं पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो वेबसाइट से मैं डोमेन नेम सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो देखो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे लर्न डॉट डोमेन सर्च करके, ठीक है, जो आप ले सकते हो, जहाँ पे आप जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे बस नाम सर्च करो, आपको अपनी वेबसाइट के लिए आपको नाम दिखाएगा। जैसे कि मैं सपोज सर्च करता हूँ डिजिटल, ठीक है, हम डिजिटल लेते हैं, ठीक है, जैसे सर्च करूंगा आपको, सॉरी, ठीक है, ब्लॉग सर्च किया, मेरे को टोटली कितने नाम रेकमेंड दिखा रहा है, 121 नेम आपको रेकमेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा नाम मैं छेड़छाड़ करूंगा, आपका कोई भी टॉपिक हो, सपोज मैं फूड सर्च करता हूँ, ठीक है, आपके जो भी वेबसाइट का नाम हो, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली सर्च करो, आपको बहुत सारे डोमेन नेम के रेकमेंड मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 5545 जितने डोमेन नेम आपको ये रेकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से आपको जो डोमेन नेम चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंपली काम करना है आपको अपना डोमेन नेम सबसे पहले सिलेक्ट करना है। अब सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आपको डोमेन नेम जैसे हम सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हमें गोड आईडी पे जाके चेक करना है वो गोड आईडी पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। और गोड आईडी पे सपोज हम एक नाम ले लेते हैं, ब्लू लाइन फोर, सपोज ये नाम ले लिया, इसको कॉपी किया, आपको जाना है फिर गूगल पे, ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है गोड आईडी, सॉरी गोड आईडी डोमेन नेम अप्रूव, सॉरी अप्रेसल, गोड आईडी डोमेन नेम अप्रेसल सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी, ठीक
ठीक है, यहाँ पे आके आपको www. हमारा जो वेबसाइट का नाम था वो डालेंगे, ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ दिखाएगा, ठीक है, ये अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू है 1,307 डॉलर, ठीक है। अगर आप जब सेल आउट करते हो तब ये वैल्यू काम में आती है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपना डोमेन नेम सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर आपको लेना है कंपैरिजन, तो ये आपको वेबसाइट दिखा रहा है, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये चीज आप चेक करो। देन आपको क्या करना है, सीआई पे लॉग इन करना, ये नाम हमने सिलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, अब चेक करना है सीआई पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, सिंपली नाम सर्च करेंगे, अगर आपका नाम अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है, इसके बदले मैं अपना नाम डालता हूँ, ये रजिस्टर है क्योंकि ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, तो ये अवेलेबल नहीं, तो आपका डोमेन नेम अगर अवेलेबल है तो आपको आना है सपोर्ट सेंटर पे, ठीक है, सपोर्ट सेंटर पे आके आपको मेल करना है सिंपल, डोमेन नेम रजिस्टर, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट, आपका जो भी नाम है आप लिखो, एंड यहाँ पे डाल दो आई वॉन्ट रजिस्टर माई डोमेन नेम सून एज पॉसिबल, ठीक है, जितना जल्दी होगा उतना रजिस्टर कर दो एंड सबमिट कर दो, ठीक है, इतना सा काम है। ये करने के बाद अब आपका काम यहाँ पे खत्म होता है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सबको क्लियर, डोमेन नेम कैसे रजिस्टर करते हैं, सबको समझ में आ गया? यस यस सर सर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोगो कैसे बना, ठीक है, देखो यार कोई भी लोगो बनाने के लिए ना इतना कोई रॉकेट साइंस यूज मत करो, ठीक है, सिंपल, बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट का नाम का इतना बड़ा लिख देते, पूरी वेबसाइट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक छोटा सा आइकॉन होना चाहिए आपकी वेबसाइट का, सिंपल एंड सोबर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे, ठीक है, आप गूगल पे भी जाओगे, ठीक है, तो गूगल भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देगा, मैं कल पोस्ट भी डालूंगा उसके ऊपर, ठीक है, अगर आपने अब तक अमित धर्मशी को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो, वहां पे मैं आपको सारे अपडेट्स दूंगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको सिंपल ही देखो, उसके लिए आप एप्स की यस हेल्प ले सकते हो, आपको बेसिक मीटिंग में सिखा देगा, कुछ वेबसाइट्स है जहां से आप अपनी वेबसाइट को अपने लोगोस डिजाइन कर सकते हो सिंपल एंड सोबर, ठीक है, मैं यहाँ पे वो चीज बताऊंगा नहीं क्योंकि वे इतना इजी है ना, आप आराम से जाओ, ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो कैनवा का लेते हैं, ठीक है, आपको सिंपल ही जाना है, मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, कैनवा ओपन करता हूँ, ठीक है, कैनवा में सर्च करो लोगो, कैनवा खुद आपको रेकमेंड करेगा लोगो, ठीक है, आपको कैसे चाहिए, कैसे स्टाइल चाहिए, सिंपल सोबर, ठीक है, अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, अगर फ्री है तो फ्री में भी बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है, ये सारे फ्री लोगो है, ठीक है, इसमें आप अपना एडिट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा लोगो भी किसने बनाया है, आप ऐसे भी मतलब कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, तो यहां से आइडिया लो अपना लोगो क्रिएट, ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेन वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट, ठीक है, जहां पे आपको रजिस्टर करना है और अपना लोगो डिजाइन का। अब मेन पार्ट आएगा अब इंस्टॉलेशन, जैसे आप कंपनी में अपना डोमेन नेम रजिस्टर करते हो, ठीक है, वैसे आपको एक मेल आएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज CIBL.com, अभी रिसेंटली अंकिता जी का आया था, ठीक है, आपको सपोर्ट सेंटर में आना है, ठीक है, इनबॉक्स में आओगे, आपको आपने जो डोमेन नेम रजिस्टर किया है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको
जो आपका डोमेन नेम मिलता है ठीक है उसको कॉपी करो, ध्यान रखना एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एंड पेस्ट करो ठीक है। मेरी वेबसाइट पे सिक्योरिटी है तो मेरा ऐसे दिखा रहा है, आपके इस पे अलग दिखाएगा ठीक है। वहां पे आप एडवांस ऑप्शन में जाओगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करो ठीक है। ये मेरा सिक्योरिटी पर्पस है तो मेरा चेंज होता है ठीक है। और आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो आप यहाँ एंटर करोगे, जैसे आप एंटर करते हो तो लॉग इन कर पाओगे ठीक है। ये यूजर नेम पासवर्ड आपको मिला रहेगा ठीक है, आप इसको नोट डाउन मत करो ठीक है ये यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि आप यहां से ही ले सकते हो अपना यूजर नेम पासवर्ड। सो कॉपी किया पेस्ट किया ये जो यूजर नेम है ठीक है, सो कॉपी किया एंड पेस्ट सिंपल। अब ये वेबसाइट लॉगिन हो ठीक है, ये आपका फ्लेक्स पैनल। अब हमें फ्लेक्स पैनल में सीआईपीएल क्या क्या देख ठीक है हम वो देखते हैं। देखो सीआईपीएल में हमें क्या क्या मिलता है। अब सबसे पहले समझो फ्लेक्स पैनल क्या है। फ्लेक्स पैनल एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपनी जो पूरी वेबसाइट है उसका कंट्रोल होता है आपकी वेबसाइट ठीक है। आप अपनी पूरी वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हो और आप पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स जो रहती है पूरा सिक्योरिटी सिस्टम आपकी वेबसाइट का फ्लेक्स पैनल के थ्रू होता है ठीक है। बाकी जो भी आपका अगर कोई इश्यू आता है ठीक है, कभी आपको छेड़छाड़ करनी है वर्डप्रेस पे कर लो, फ्लेक्स पैनल पे मत करना क्योंकि वो पूरी सिक्योरिटी खराब हो जाएगी ठीक है। तो कोई फ्लेक्स पैनल पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा ठीक है, आप अपने जो नॉर्मल आपके वर्डप्रेस के इस पे तो आप वो कर सकते हो ठीक है। अब फ्लेक्स पैनल में आपको एग्जैक्टली क्या क्या मिल रहा है ठीक है, सबसे पहली चीज आपको मिलेगा वर्डप्रेस टूलकिट जिससे आप अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे ठीक है। सेकंड आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट सिक्योर कर पाओ, कोई हैक नहीं करेगा ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर है तो ही आपको गूगल पे रैंक होने के चांसेस है, वरना चांसेस कम है ठीक है। उसके बाद आपको मिनीफायर ABS सिक्योरिटी मिलता है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पर अगर कोई मालवेयर या कुछ आता है तो आप वो निकाल सकते हो सिंपल ठीक है। उसके बाद आपको बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, ठीक है बैकअप मैनेजमेंट आप अपने वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो ठीक है। उसके बाद आपको सब डोमेन्स मिलता है ठीक है, मिनिमम 25 मैक्सिमम बहुत सारे ठीक है, इतना सारे डिजाइन करने की जरूरत नहीं है आपको मिल रहे ठीक है, आप अनलिमिटेड वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद आप कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट मिल रहा है ठीक है, जिसके थ्रू मतलब एक प्रोफेशनल ईमेल ठीक है, जैसे कि मेरी है support@amitdharamshi.com, क्योंकि मेरी वेबसाइट का नाम अमित धर्मशी है तो मैंने ऐसा अपना कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट बनाया जो आपको मिल रहा है ठीक है। अब फ्लेक्स पैनल लॉग इन करने के लिए सिंपल है, www. आपकी वेबसाइट का नाम लिखो ठीक है .com/A443 ये टाइप जैसे करोगे तो आपको अपना फ्लेक्स पैनल का यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। जैसे कि अभी हेलो हाँ बोलो सर, जैसे हम वर्डप्रेस से नॉर्मल होस्टिंग लेते हैं तब हमको सी पैनल मिलता है कंट्रोल के लिए, दैट इज कंट्रोल पैनल यस, एंड वी आर कंट्रोलर वेबसाइट यूजिंग फ्लेक्स पैनल जो है। So yes. What is difference between C panel and flex panel? Like इसमें क्या एडवांस है जो C panel में नहीं है? देखो अब वो comparison का तो अलग ही पार्ट होगा ठीक है, आप बाद में मुझे पूछ लेना ठीक है, मैं आपको अलग से दोनों में कंपेयर कर सकता हूँ ठीक है। आप गूगल पे भी जाओ, जाके सर्च करो flex panel और C panel में क्या फर्क होता है ठीक है। flex panel की ज्यादा सिक्योरिटी होती है क्योंकि देखो flex panel जो सबसे मेन कंपनी है जो हमारी Amazon होस्टिंग आपको मिल रही है उसके साथ आपको फ्लेक्स पैनल मिल रहा है तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है ठीक है। हमने एक बेसिक बीच में मीटिंग भी कवर की थी और अगर आपको वो सारी मीटिंग्स आपको बताई जाएगी ठीक है, अभी जो मीटिंग मिल रही है वो पहले आज की चीज के लिए समझो ठीक है, बाकी जो आपके डाउट है वो एंड ऑफ दी मुझे पूछ सकते हो ठीक है। सखाराम जी ओके सर ओके, तो क्योंकि ये लिंक टूट जाएगी ना फिर अभी जो हमने प्लान किया ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ठीक है। अब वर्डप्रेस
क्यों और सिंपल है, एकदम इजी है, ठीक है। वर्डप्रेस हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इजी और सबसे सिंपल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ सब अलग अलग बैकग्राउंड से है, ठीक है, कुछ कॉमर्स है, कुछ आर्ट्स है, कुछ साइंस है, ठीक है, तो बाकी सब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसको कोडिंग आती है उसके लिए पहले के टाइम पे ऐसा था, जो वेबसाइट आज के टाइम पे हर कोई बना सकता है सिंपल एंड सोबर की मदद से। अब देखो आप अपने फ्लेक्स पैनल पे, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, फ्लेक्स पैनल दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, ये आपका फ्लेक्स पैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कितना स्टोरेज है, कितना यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आपको 5GB मिला है, आप इसको जैसे ये आपका खत्म हो जाता है तो आप कंपनी में मेल करो और एक्सपांड करवा सकते हो, ठीक है। बैंडविड्थ आपको अनलिमिटेड मिल रही है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको आना है वर्डप्रेस पे, ठीक है। वर्डप्रेस पे आएंगे हम, इन्होंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो अब करना कैसे, सिंपल में बता देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी इंस्टॉलेशन पार्ट में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। अब आपके मन में रहा सर क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना 90% ये मिस्टेक करते हैं, अपने इंस्टॉलेशन पार्ट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहने देते, ठीक है। अगर ब्लैंक जगह देखी चलो लिख देते, ठीक है, हर एक ब्लैंक जगह फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए ये, ठीक है। तो मेक श्योर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, अगर लिखोगे फिर आप बोलोगे मेरी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये प्रॉब्लम आ जाए, सर मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, फिर मैं देखता हूँ उन्होंने लिंक पे छेड़छाड़ की है, ठीक है। अगर फिर आपको सर्च करना है तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम स्लैश जो लिखा है एंड में, सपोज वर्डप्रेस लिखा है तो वर्डप्रेस भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, .com से नहीं आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपको ये इंस्टॉल है इसके लिए ऐसा दिखा रहा है, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल डाल सकते हो, ठीक है। आपके जो भी टाइटल है वो आप यहाँ डाल सकते हो, अभी नहीं डालोगे तो बाद में डालो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आप पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद आप किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, ई कॉमर्स बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं तो रेकमेंड नहीं करता ये यूज करो, ठीक है, ये यूज करने का एक फायदा है, ठीक है। आपको जो जो प्लगइन चाहिए ना वो यहाँ पे रेकमेंड करते हैं। सपोज मेरे को ई कॉमर्स के ऊपर वेबसाइट बनानी है, ठीक है, ई कॉमर्स का पैकेज है, तो मेरे को जो जो प्लगइन रिक्वायरमेंट है ना ये पहले ही डाउनलोड कर देगा, ठीक है। जो कैशे का होता है, SEO का होता है, कॉन्टेक्ट फॉर्म का होता है, वो सारे प्लगइन ये ऑलरेडी दे रहा है, बता रहा है, ठीक है। अगर आपको जेटपैक का चाहिए तो जेटपैक में क्या क्या मिलता है, सिर्फ जेटपैक का प्लगइन है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं और डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है, आने वाले सेशन में, क्योंकि मैं एक सेशन में समझाने बैठूंगा तो थोड़ा हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए थोड़ी चीजें समझ लो, ठीक है, बाकी जो भी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आगे सिखाते जाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपना जो भी वर्डप्रेस है आपको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा नॉन रखो कुछ माइंड, ठीक है, बस इंस्टॉलेशन के टाइम आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करो, अपनी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, ईमेल आईडी के साथ छेड़छाड़ मत करना वरना आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी, ठीक है, और इंस्टॉल कर दो सिंपल एंड सोबर, ठीक है। इंस्टॉल करके आपको ऐसा कुछ दिखेगा और जाके आप अपनी वेबसाइट लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। मैम ने अभी वेबसाइट जस्ट की है तो उन्होंने ऐसी रखी है, ठीक है। मैं अपना लोगो थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फ्लेक्स लॉग इन करना है तो आप यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको मैन्युअली करना है, ठीक है, वर्डप्रेस ओपन करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, /wp-a एडमिन, ठीक है, ऐसे करके भी आप लॉग इन कर सकते हो। अभी लॉग इन कर दिए वरना आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा जो अभी हमने सेट किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, सब नोट डाउन करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका SSL सर्टिफिकेट सिक्योरिटी, ठीक है, तो कैसे आपको वेबसाइट सिक्योर करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो
सिक्योर और अनसिक्योर में क्या फर्क है, ठीक है? सिक्योर होगा तो ऐसे लॉक होगा, अनसिक्योर होगी तो ऐसे दिखाई एचटीटीपी दिखाएगा, अगर आपकी सिक्योर है तो एचटीटीपी ऐसा आएगा, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अपनी वेबसाइट पे, ये होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर है तो अच्छा। अब करना कैसे, सिंपल है वो मैं बता देता हूँ, वैसे हो गया, ठीक है? ये आप सिक्योरिटी देख सकते हो, कनेक्शन इज सिक्योर। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है? यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, ठीक है? आपके पास ये दो सर्टिफिकेट है, ग्रीन सॉरी येलो दिखा रहा है, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है। नहीं है तो करना है, ठीक है? अब वो करेंगे कैसे, सिंपल, यहाँ पे नीचे आओ, लेट्स यूनिफाई, ठीक है? यहाँ पे आप तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करो, सिक्योर है, ठीक है? यहाँ पे इसके लिए दिखा रहा है, रिन्यू नहीं करना है, सिक्योर पे क्लिक करो, वो हो जाएगा, ठीक है? दो क्लिक करने का खत्म, ठीक है? इतना ही है, इससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल। अब नेक्स्ट थिंग, आप कैसे अपना सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? सब डोमेन क्या होता है, सबसे पहले ये सब, एक सबसे बड़ी मेन वेबसाइट होती है जो आपकी वेबसाइट है, जैसे google.com बहुत बड़ी वेबसाइट, ठीक है? उसका सब डोमेन क्या है, support.google.com, ठीक है? अगर आप को मैं तो रेकमेंड करूंगा, मेन छेड़छाड़ी आप अपनी मेन वेबसाइट पे मत करो, ठीक है? मैं भी अपनी मेन वेबसाइट पे सारे काम नहीं करता, मैं अपने ट्रायल एंड एरर अपने सब डोमेन पे करता हूँ, ठीक है? diamond.amitdharmesh.com करके मैं उस पे सारा ट्रायल करता हूँ, मेन वेबसाइट पे कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है? तो आपकी मेन वेबसाइट चलती रहेगी। जैसे कि देखो मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, ये मेरी मेन वेबसाइट है amitdharmesh.com, ठीक है? यहाँ पे मैंने ब्लॉग पोस्ट सारी चीजें डाली है। अब मेरा सब डोमेन की बात करूं तो ये मेरा सब डोमेन है, ठीक है? जहां पे मैं मेरा मेरे बारे में, ठीक है? आप मेरे बारे में जानना है तो आप मेरा सब डोमेन एक तरह से रिज्यूम, मैं आगे बताऊंगा वेबसाइट्स के टाइप्स और वो सारी चीजें, ठीक है? ये आप देख सकते हो, मैं सेशन ले रहा हूँ, सारी चीजें लोगों को सिखा रहा हूँ, वो सब डाला, मैं करता क्या हूँ, मेरे पास कौन से सर्टिफिकेट्स है, गोल्ड आईडी, ये सारे सर्टिफिकेट्स, ठीक है? ये बाकी है थोड़ा, ठीक है? तो ऐसे पूरी मैंने अपनी वेबसाइट सिंपल अपना कहते हैं ना रिज्यूम बनाया, डिजिटल रिज्यूम मेरा, ठीक है? तो आप भी ऐसा बना सकते हो। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, ठीक है? क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ्लेक्स पैनल पे आना है, ठीक है? सब डोमेन पे क्लिक करना है, जो भी नाम रखना चाहते हो, ठीक है? आप वो रख सकते हो, सपोज मैंने पकड़ा ब्लॉग, ठीक है? ब्लॉग पकड़ा और ओके पे क्लिक करना है, ठीक है? ये अपने आप क्रिएट करेगा, आपको ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना। हो गया, सिंपल। बस अब एक चीज ध्यान रखनी है आप सबको, ठीक है? जब आप अपना सब डोमेन क्रिएट करते हो, वर्डप्रेस ऑन दिस स्पॉट कोई इंस्टॉल नहीं, 10-15 मिनट का टाइम लो, उसके बाद आप अपना सब डोमेन इंस्टॉल करो, ठीक है? क्योंकि एरर्स आएगी, ठीक है? थोड़ा सारी चीजों में होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? मतलब आपकी सेटिंग्स वो सारी सर्वर्स में कन्वर्ट होने में चीजों को टाइम लगता है, तो थोड़ा 10-15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद अपना सब डोमेन इंस्टॉल करो, ठीक है? करना कैसे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? वर्डप्रेस पे आना है आपको, रिटर्न, फिर से इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ब्लॉग डॉट इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? वो क्लिक करने के बाद आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड सेट करना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इतना सिंपल, जो हमने मेन वेबसाइट को जैसे इंस्टॉल किया, बस यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपके जो भी सब डोमेन्स है वो। समझ में आया? सर वन मोर थिंग, सॉरी टू इंटरप्टिंग यू। हाँ बोलो। सर ये जो हमने अभी दो वेबसाइट्स का क्रिएशन किया, इसमें हमने डेटाबेस को कुछ नहीं किया, लाइक डेटाबेस सिलेक्शन भी नहीं किया, उसको एडिट भी नहीं किया, तो उसमें कुछ सेटिंग्स मैंडेटरी है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं करना है आपको, डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। ओके सर, ओके। क्योंकि नॉलेज नहीं है, अगर आप डेटाबेस पे करने जाओगे
अगर आपका नॉलेज है, आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट रजिस्टर है, आप वहां इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है? ओके. या आप कंपनी में बोल सकते हो, कंपनी आपको रीडायरेक्ट करके देगी, ठीक है? ओके. क्योंकि अगर सारी चीज आप एक्सेस दे दे तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपको ही पता है, एक डेटा हिल गया तो पूरी वेबसाइट हो सकती है. ओके. तो वो काम हमें नहीं करना. ओके. ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, किसी के डाउट्स है तो मेरे को अभी बोल दो, अब तक जो मैंने सिखाया, अब तक जो सिखाया वो सब क्लियर? यस नो तो बोलो. यस सर. यस सर. यस सर. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, अब कितने टाइप की वेबसाइट्स होती है, कौन कौन सी होती है? ठीक है, सिंपली चार टाइप की वेबसाइट बनाई जाती है. ठीक है, सबसे पहली होती है पोर्टफोलियो साइट. ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बनाना, किसी को अपने बारे में बताना. ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो साइट बनाई जो मैंने अभी आपको बताई. ठीक है, सेकेंड होता है आप ई कॉमर्स साइट बना सकते हो. अगर आपके पास अभी हमारे साथ कुछ है जो कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको ऑनलाइन सेल आउट करने, ठीक है, आज ही मेरी बात, तो उनको ई कॉमर्स साइट बनानी होती है. ठीक है, नॉर्मली हम जो लोग है, ठीक है, हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे. ठीक है, जिसको अपना करियर स्टार्ट करना है वेबसाइट से. ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉगिंग. ठीक है, ब्लॉगिंग एक ऐसा जरिया है. अब ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग सिंपल है, कुछ नहीं होता. आपका जो भी टॉपिक है, नीच है, ठीक है, एक कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे, उसको कहते हैं ब्लॉगिंग. ठीक है, एक ब्लॉगर वही होता है जो लोगों को अपना उसका, जिस चीज में ट्रैवल ब्लॉगर सुना होगा, फूड ब्लॉगर, ठीक है, अलग अलग टाइप के ब्लॉगर्स होते हैं. ठीक है, आपको जो नीच सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर ब्लॉग्स लिख सकते हो. ठीक है, ये डेली बेस पे काम करना होता है. पोर्टफोलियो साइट है, वन टाइम डिजाइन होता है. ठीक है, ई कॉमर्स के लिए एक इंसान नहीं कर सकता, मैं फ्रेंकली बताऊं. ठीक है, इसके लिए एक दो जन लगते हैं, क्योंकि ये इस पे डेली अपडेट करना, चीजें करना, क्योंकि ई कॉमर्स एक टाइम में नहीं बनती कभी भी, क्योंकि प्रोडक्ट आएगा, कम होगा पैकेज, मतलब कहते हैं ना, चीजें सारी कम होगी, स्टॉक खत्म होगा, वो सारा भी अपडेट करना होता है, तो वो सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है. ठीक है, उसके बाद आपको ब्लॉगिंग जो मैंने समझाया, वो आप डेली ब्लॉगिंग के लिए आप खुद का टाइम सिलेक्ट करो. मेरे को महीने में दो पोस्ट करने हैं, मेरे को हफ्ते में दो पोस्ट करने हैं, मेरे को हर दिन एक पोस्ट करना है. ठीक है, अगर आपको स्टार्ट करना है अपना करियर, ठीक है, तो मैं आपको मेक श्योर रिकमेंड करता हूँ आप डेली वन पोस्ट से स्टार्ट करो. एक साल तक है ना, डेली एक पोस्ट करो, फिर एक दिन या दो दिन छोड़ के एक एक पोस्ट करो. ठीक है, तीन साल में आराम से आप एक लेवल पे. ठीक है, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, लोग बाहर, आप गूगल पे जाओ, लोग बोलेंगे बिना कोडिंग के एक टूल वेबसाइट बना लो. बना तो लोगे, एक ऐसा टूल भी बनाना पड़ेगा जो गूगल पे रहे. ठीक है, टूल वेबसाइट्स भी होती है. ठीक है, वो वेबसाइट्स ज्यादा नहीं चलती. ठीक है, अगर आपकी बढ़िया है तो चल जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं चलती. ठीक है, उसको अच्छे से आपको SEO करना पड़ता है. ठीक है, गूगल पे रैंक कराना पड़ता है. अगर रैंक नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अगर आपकी टूल वेबसाइट है, आपके फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं हो रही, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, फ्रेंकली बता दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं. ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप टूल वेबसाइट्स बना रहे हो, ठीक है, मैंने बनाई है. ठीक है, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, मेरे को यूट्यूब के थंबनेल थोड़े बीच में डाउनलोड करने थे, मैं उसके ऊपर काम कर रहा, तब मैंने टूल वेबसाइट भी बनाई. ठीक है, मैं बताऊंगा. ठीक है, उसके बाद बिजनेस वेबसाइट, अगर किसी का कोई बिजनेस है, ठीक है, तो आप उनके लिए बिजनेस साइट बना सकते हो. ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है बिजनेस. ठीक है, तो आप बिजनेस की साइट अगर जिसको बनानी है, ठीक है, एजुकेशन साइड हो गई, वो सारे बिजनेस में आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस ही एजुकेशन है. ठीक है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रख, समझ में आया? से थम्स अप. आप सबको क्लियर हुआ? यस सर. यस सर. ठीक है, देखो हमने जो सब डोमेन किया था वो हमने इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है, यहाँ पे ये प्लगइन बताएगा. ठीक है, तो
आप अपने सारे प्लगइन्स अपडेट रखना, ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा, SSL सर्टिफिकेट की भी नोटिफिकेशन। तो सिंपली जैसे मैंने सिखाया था वैसे आप अपना SSL सर्टिफिकेट जाके ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, जाओगे आप SSL सर्टिफिकेट पे, ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट करो एंड इंस्टॉल करो, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, एक वीडियो है वो आप सबको देखना है, क्योंकि मैं सारी चीजें नहीं बताऊं, कुछ चीजें आपको भी खुद से करनी है, ठीक है। अब टेंशन मत लो, ये वीडियो अभी के लिए आप देख लो, बाकी मैं एक LMS सिस्टम बना रहा हूँ अपनी, अगर आप लोगों ने स्टेटस देखा रहेगा उस पे आपको सारी चीजें वन बाय वन मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो ठीक है, आपको सात चीजें जो ध्यान रखनी है अपनी वेबसाइट में डिजाइन करने से पहले, वो इस वीडियो में दिया गया है, ठीक है। आप ये वीडियो देखो, सात चीजें, बस 10 मिनट का काम है, फटाफट ये 10 मिनट का काम आप सब कर लेना। मैं इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे देता हूं। ठीक है, ये वीडियो आपको देखना है और करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट, व्हाट इज थीम, एक थीम क्या होती है, देखो थीम एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट का लुक अच्छा कर सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट बढ़िया प्रेजेंट कर सकते हो। अभी जैसे आप देख रहे हो बाजू में मैंने एग्जांपल्स भी दिए, ठीक है, एक थीम, एक क्लिक से आप अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकते हो, ठीक है। अब वो थीम्स कहाँ से मिलेगी, कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली वर्डप्रेस पे जाओगे आप सब। वर्डप्रेस पे जाने के बाद आपको अपीयरेंस पे जाना है एंड थीम पे क्लिक करना है, ठीक है, एड न्यू। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, आपको जैसी भी वेबसाइट चाहिए आप ले सकते हो। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप पर्टिकुलर कोई चाहते हो, सपोज आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स की बना रहे हो, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फूड, ड्रिंक, हॉलीडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी वेबसाइट अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहते हो, तो यहाँ पे बस एजुकेशन की देखना चाहते हो, तो एजुकेशन उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, अगर सारे फीचर्स होने चाहिए तो छोड़ दो, ठीक है, कितने कॉलम्स, लेआउट कैसा होना चाहिए, साइड बार राइट साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बाकी अप्लाई फिल्टर कर दो, ठीक है। तो जो भी हमारी एजुकेशन के रिलेटेड जो साइट्स, ठीक है, जो टेम्पलेट्स है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो पसंद आया, देखो ये भी वेब डेवलपमेंट का है, ठीक है, इसको फिर आपको ऐसे डिजाइन करना है, ऐसा नहीं है मिल गई चलो मजे आकर, ठीक है, इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो, ठीक है। जो भी थीम है इसका पूरा डॉक्यूमेंट होता है, वो आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ठीक है, या जो थीम है उसका नाम सर्च करो यूट्यूब पे, उसका पूरा कस्टमाइजेशन आपको बताया जाए। समझ में आया? यस सर। और मैं दो थीम्स आपको रेकमेंड करता हूँ जो सबसे फास्टेस्ट थीम है, ठीक है, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वो थीम से, ऐसे तो बहुत सारी मेरे को पता है, ठीक है, मैं दो ही आपको बड़े बड़े ब्लॉगर्स और सारे लोग दो ही थीम आपको रेकमेंड करेंगे, ठीक है, उससे आप कोई भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, एक है एक्स्ट्रा और दूसरी है जनरेट प्लस, ठीक है, इन्होंने भी एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल की है, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है, इसका एक प्लगइन भी है, वो भी आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, एक्स्ट्रा साइट करके। देखो हर एक वेबसाइट के हर एक उसके खुद के प्लगइन्स होते हैं, वो आपको इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है, वो अपने आप रेकमेंड करता है, वो रेकमेंडेशन कहाँ मिलता है मैं वो भी बता देता हूँ। सपोज ये एक्स्ट्रा थीम, तो इसके जो भी ऑप्शनल्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताए, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है, अगर आप प्रो लेते हो तो प्रो में क्या क्या है, फ्री में क्या क्या है, फ्री में क्या क्या आइटम्स मिल रही है,
अगर आपको पैसे दे के करना है तो उसके अंदर ये सारी चीजें भी आपको मिलेगी, ठीक है, LMS का वाओ, ठीक है। इसके स्टैटिक टेम्पलेट्स भी होते हैं, वो भी आप ले सकते हो। ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एक्टिवेट होगा। यहाँ पे हेडर में फोटो लोगो अपलोड, ठीक है, ये वेबसाइट डिजाइनर है, ठीक है, आपके पेज डिजाइन करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एलिमेंटो, ठीक है, जो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे आओ, फ्री वर्जन में देखो, आपको बहुत सारे टैबलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो आप अपनी वेबसाइट इजीली डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं मैम की वेबसाइट हम विजिट करते हैं, ठीक है, मैम की वेबसाइट ऐसे दिख रही है, सबको ऐसी दिख रही है, यस सर, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट पूरी चेंज कर दी, ठीक है, कौन सा टेम्पलेट ले बताओ, ये ले ले नेचुरल, ठीक है। इसमें आप आपका अबाउट अस पेज भी, मैं ये थोड़े टाइम के बाद बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ क्या क्या चीजें वेबसाइट डिजाइन करने के टाइम ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आपका सबसे पहले लोगो होना चाहिए बढ़िया सा, ठीक है, जो आप अपने हेडर सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, जैसे मैम ने बना दिया है बड़ा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा लोगो बनाया। आपको सिंपल एंड सोबर बनाना है, जैसे कि एग्जांपल मेरा देख सकते हो, मैंने अपना अपने नाम पे बनाई है, मैंने सिंपल ही अपना फोटो रखा है, अमित धर्मशी लिखा है मेरी वेबसाइट का नाम, और मेरी एक टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग डिजिटल मार्केटिंग, बस अभी चेंज हो रही है, लर्न अप्लाई एंड अर्न, ठीक है, वो मेरी टैगलाइन है। तो आप अपनी प्यारी से टैगलाइन दो, ठीक है। नेक्स्ट आपको अपने मेन्यूज प्रिपेयर करना है, ठीक है। मेन्यूज क्या होते हैं, मेन्यू मतलब आपकी वेबसाइट में जो हाइलाइट्स, मतलब आपकी पूरी वेबसाइट घूमने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान आएगा तो मेन्यू के द्वारा आपकी वेबसाइट में विजिट कर सकता है। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पर का एग्जांपल ले सकते हो, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, मेरे ब्लॉग्स देखने, ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग पे देखना, ब्लॉगिंग पे देखना, डिजिटल मार्केटिंग पे, ई कॉमर्स, वो सारे प्राइवेट पॉलिसी के पेज है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपने मेन्यूज डिजाइन करने, कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोई अपना कॉल टू एक्शन बटन देना है, ठीक है, वो भी आप दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कॉल टू एक्शन बटन है, ठीक है, वैसे आप अपना कॉल बहुत जल्दी साइन अप का आ जाएगा, ठीक है। सारी आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें है यहाँ पे देख सकते हो, आप हाईलाइट्स कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने स्लाइडर के अंदर हाईलाइट किया, देख लो, एक सिंपल एंड सोबर वेबसाइट, ठीक है, और इसी के कारण मेरे को मेरा 3 बार हजारों लोगों के सामने ये वेबसाइट टॉप 10 में आ चुकी है, सिंपल डिजाइन के कारण, ठीक है, ज्यादा कीचड़ नहीं भरना है, ठीक है, कचरा नहीं करते, सिंपल बनाओ, सोबर बनाओ, ठीक है। अपना टाइटल और टैगलाइन डालो जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, आप बटन डाल सकते हो, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये सारे जो बटन है वो भी डाल सकते हो, कॉल टू एक्शन के बटन, साइड बार की चीजों का ध्यान रखो, ठीक है, होम पेज पे ना रखो तो भी चलेगा या रखो तो भी चलेगा। साइड बार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, अगर सपोज मेरा कोई भी आप पोस्ट ओपन करते हो सपोज, ठीक है, इसमें देखो साइड बार दिख रहा है ना मेरा, किसी को भी मेरे रिसेंट पोस्ट देखना है, ठीक है, कौन से महीने में मैंने पोस्ट किए थे वो देखना है तो वो भी देख सकता है, मेरी कौन सी कैटेगरी के देख रहे, डायरेक्ट पेज देख रहे हैं तो पेज भी देख सकते हो, सारी चीजें मैंने सिंपली दे रहा, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट आपको फुटवेयर बनाना, ठीक है, फुटवेयर मतलब जूते नहीं, आपका फुटर, ठीक है। फुटर मतलब क्या, बेसिकली आप नीचे आओगे यहाँ पे, ये मेरा फुटर सेक्शन है, आप देख सकते हो, सिंपल है, मैंने अपने बारे में लिखा है, कैटेगरीज है, पेजेस है जो भी मेरे, ठीक है, और इसे पोस्ट, ऐसा आपको प्रॉपरली कॉल टू एक्शन देना है। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको मैं निकाल दूंगा वो, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड चीजें ही आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको कॉपीराइट सेक्शन, कॉपीराइट सेक्शन मतलब आपको वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने कॉपीराइट लिखा है 2021 अमित धर्मशी, पावर्ड बाय अमित धर्मशी, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल करते हो तो उसका मत डालो, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो मैम ने चेंज नहीं किया, एक्स्ट्रा थीम, तो यहाँ पे पता चल जाता है लोगों को आपने कौन से थीम से वेबसाइट डिजाइन किया, ठीक है, तो वो मत करो, आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ डालो, ठीक है, क्लियर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। हाँ ना तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ सर। जाग रहे हो, सो गए? नेक्स्ट आपको अपना अबाउट अ स्पेस डिजाइन करना है, ठीक है। अबाउट अ स्पेस डिजाइन करने के टाइम आपको क्या क्या चीजों का ध्यान, वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अपने हेडलाइन लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देखोगे तो आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आएगी, आप अपनी हेडलाइन डाल सकते हो, आप अपने बारे में एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन दो, अपना फोटो लगाओ, ठीक है, प्राइमरी कॉल टू एक्शन का बटन दो, ठीक है, आप किसी को कोई चीज बेचना चाहते हो डायरेक्टली सेल आउट भी कर सकते हो, अपनी टेस्टिमोनियल दे सकते हो, सोशल मीडिया प्रूफ्स दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी सेकेंड स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है, एक छोटा सा प्रोडक्शन आप अपनी स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है, आप सेकंड कॉल टू एक्शन बटन दो, आपको जो भी रिवॉर्ड्स कुछ भी मिला हो, ठीक है, सर्टिफिकेट जैसे कि, तो आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, एंड लास्ट एंड लिस्ट आप अपना सोशल मीडिया के लिंक्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट अस का पेज सबसे सिंपल एंड सोबर, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको लोग आपको कांटेक्ट करें उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको जाना है टेम्पलेट ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा कैसे डिजाइन करना है, इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है, सिंपल आपका नाम, ईमेल आईडी आप लोगों से ले सकते हो, ठीक है, आप उनको दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो, जिसको लेना है ले लो फटाफट, एक मिनट दे रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, विश यू सक्सेस। नहीं गाइस, पिक्चर अभी बाकी, अब मैं लाइव आपको सिखाऊंगा करना कैसे, ठीक है। अब ये वेबसाइट ऐसे दिख रही है अंकिता जी, अभी आप देखोगे आपकी वेबसाइट पूरी बदल जाएगी, ठीक है। सपोज हम ये टेम्पलेट ले रहे हैं, ठीक है, अबाउट अस आपका सारा पेज ऐसा, ठीक है, सिंपली इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करने के बाद आप बिगनर हो तो बिगनर लिखो, ठीक है, एक्सपर्ट हो तो एक्सपर्ट लिख सकते हो, ठीक है, सेल्फ के लिए खुद के लिए बना रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल आईडी देना है तो दो, वरना स्किप करो, ठीक है, ये मेरा नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूँ, आपका है तो आप दे दो बेटर होगा, ठीक है, ये इंस्टॉल होने में 2 मिनट लगेगी, तब तक मैं अपना न्यू LMS प्लेटफॉर्म बता देता हूँ आप सब लोगों को, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, ये हमारा LMS प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे मैंने 20+ hours का पूरा मैंने कोर्स डिजाइन किया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबके लिए, मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है,
ठीक है, बाहर वालों के लिए इसका कॉस्ट है एटलीस्ट 10,999 का कॉस्ट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पे, अगर आपने CIPL ज्वाइन किया तो आपके लिए फ्री है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स वालों को, ठीक है, बाकी किंग्समैन सबके लिए नहीं है, मेक श्योर ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरा बिगिनर कोर्स है, ठीक है, उसके अंदर मैं और थोड़ा बनाना बाकी है, ठीक है, काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जो जो ट्रेनिंग्स है हमारी, ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हो सारी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि सिंपली आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे और ये जैसे खत्म होगा एंड ऑफ द आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा टीम इन्फ्लुएंसर का, तो टेंशन मत लो। ठीक है, ये कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, हम क्विज भी रखेंगे इसके अंदर, डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, टोटल अभी 17 है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, तो इसका बहुत जल्दी आपको मैं एक्सेस दिला दूंगा। ठीक है, जैसे आप कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्यूएनए सेक्शन भी हम रखेंगे, आपको कमेंट आंसर भी, सारी चीजें बहुत सारे इसके अंदर मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखो, बस मैंने अभी स्टार्ट किया। ठीक है, ये सिक्योर कर सकते हैं, हमारा जो SSL सर्टिफिकेट का था वो ये था। ठीक है, कंटिन्यू करो, वो हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारी इनपुट हो चुका है। ठीक है, कैसा लगा आपको हमारा LMS प्लेटफॉर्म, लगता है किसी को अच्छा नहीं लगा? कोई नहीं, तो ये देखो, ये आप ऐसी वेबसाइट देख रहे हो। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो पूरी वेबसाइट चेंज हो गई, जस्ट बिकॉज एक चीज बदल गई। देख लो, अबाउट अस पेज का भी ऑप्शन आ गया आपको, यहाँ पे आपको फोटो चेंज करके अपने बारे में लिखना है। ठीक है, आप अपने जो भी स्किल्स है वो डाल सकते हो। ठीक है, अपने बारे में ये बाय डिफॉल्ट आपको सारी चीजें बना के दे रहा है। ठीक, बस आपको इसके अंदर एडिट करना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का पेज भी आपके सामने रेडी है। ठीक है, ये ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ पे आपके जो भी पोस्ट हो गए वो दिखेंगे, प्रोग्राम्स रखना है तो रख सकते हो, बाकी निकाल सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड है। ठीक है, अब सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, मेरे को भी कुछ सक्सेस स्टोरीज चाहिए आप लोगों से, फीडबैक। ठीक है, जो भी देना चाहेगा आप दे सकते हो, जो मैं अपने अमित धर्मशी जो मेरा उसके ऊपर आपका सारा मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे टेक्निक्स पे, तो अब इसको एडिट कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको पेजेस पे आना है। ठीक है, ऑल पेज,
ठीक है, आपके यहाँ पे जो भी पेजेस आपने बनाए थे वो पेज आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। मैं सपोज न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अंकिता जी, आपने अब तक अपने वेबसाइट के जो चीजें मैंने बताई थी अब तक आपने नहीं, एडमिन नहीं आना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी लिख रहा है आप नाम चेंज कर सकते हो। सपोज मैं लिखता हूँ वेलकम, ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको जो लिखना है लिखो, ठीक है। आपको फोटो चेंज करना है, फोटो चेंज करो, ठीक है। आपको नाम चेंज करना है, टोटली अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है, ठीक है। चाहे तो रखो, नहीं चाहिए तो निकाल दो, सिंपल। देख रहे हो इतना सिंपल है, और अपडेट करना मत भूलना, ठीक है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो वेबसाइट में चेंज नहीं, ठीक है। ये वेलकम हमने चेंज किया, ठीक है, तो हम हमारी वेबसाइट पे आते रिटर्न, देखो चेंज हो गया, लाइव पूरी दुनिया को दिखेगी ये वेबसाइट, आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपको अबाउट अस पेज डिजाइन करना है तो सिंपली यहाँ पे आओ, अपना जो भी अबाउट अस है वो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अपने बारे में लिखो, अपना नाम लिखो, ठीक है, अपनी साइन का फोटो डाल सकते हो, सारी चीजें आप मैन्युअली कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट की 6 कैटेगरीज डिसाइड करनी है, जो यहाँ पे आपको सपोज मैंने लिखा ब्लॉग, ठीक है, एंड ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब आपको मेन्यूज डिजाइन करना है, अपने मेन्यूज जो आपकी वेबसाइट में यहाँ ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो नहीं चाहिए, निकालना है, ठीक है। तो आप अपीयरेंस में आओगे एंड मेन्यू पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ से आपको अपने जो भी मेन मेन्यू है, टॉप लेवल मेन्यू है, ठीक है, सिलेक्ट किया, यहाँ पे सारे मेन्यूज दिखा रहा है, ठीक है। सपोज हमें सक्सेस स्टोरी वाला नहीं चाहिए, निकालते हैं, हमें प्रोग्राम का भी नहीं चाहिए, निकाल दिया, सेव करो, ठीक है। इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये दो मेन्यूज दिख रहे हैं ना, अभी निकल जाएंगे, देख रहे हो निकल गए, सिंपल। ऐसे करके आपकी अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी, ठीक है।